आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम चे गुवारा की बायोग्राफी का रिव्यू कर रहे हैं। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका पार्ट टू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेड_रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेक्चर की पीडीएफ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम्स को कवर किया, फिर नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि 1928 में चे गुवारा का जन्म होता है और क्यूबा जो है वो अमेरिका के बिल्कुल बगल में है। देखिए दोस्तों, 1945 के बाद यूएसएसआर वर्सेस यूएसए, मैंने ये इतनी बार बता दिया कि अब तो आपको पूरी तरीके से याद हो गया होगा। तो दोस्तों ऐसा है ना कि क्यूबा में जब क्यूबन रेवोल्यूशन आया था, वैसे मैं एक चीज बता दूं, क्यूबन रेवोल्यूशन पे मेरा सेपरेट लेक्चर है, पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था, 1953 से लेकर 1959 तक। तो ये पूरा जो रेवोल्यूशन आया था क्यूबा में, यहाँ पे कम्युनिज्म आ गया था, यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका भैया बिल्कुल डेमोक्रेसी सपोर्ट करता है तो वो तो बिल्कुल क्यूबा के खिलाफ था, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना था। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अमेरिका ने क्यूबा से सारे रिश्ते जो हैं वो तोड़ लिए थे। दूसरी चीज़, मिसाइल क्राइसिस और आ गई थी यहाँ पे। अब दोस्तों मिसाइल क्राइसिस पे भी मेरा एक घंटे का पूरा सेशन है, पार्ट वन पार्ट टू क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है क्यूबा में क्रिएट हो गई थी। अब दोस्तों अमेरिका को समझ में आ गया था, जब तक फिडेल कास्ट्रो और चे गुवारा को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। फिडेल कास्ट्रो के लिए CIA ने ऐसी भयानक प्लानिंग की है कि क्या बताएं, इनके खाने में जहर मिला दो ये मर जाएं, पॉइजन पिल्स भेजो, ये सब फिडेल कास्ट्रो के लिए किया गया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और अभी तक मतलब कभी उनका जो अमेरिका का मंसूबा था वो क्यूबा के लिए सफल नहीं हो पाया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपने मैप देख लिया, क्विक रिकैप ले लेते हैं। देखा था हमने कि 1928 में चे गुवारा का जन्म होता है। अब दोस्तों चे गुवारा जो है वो बड़े ही पढ़े लिखे इंसान थे, वैसे तो कम्युनिस्ट थे, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थे, लेकिन इन्होंने सारी बुक्स पढ़ी थी। इन्होंने नेहरू को भी पढ़ा था, इन्होंने गांधी को भी पढ़ा था, इन्होंने बुद्धा को भी पढ़ा था, इनको पोएट्रीज भी बहुत पसंद थी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट तो थे ही, तो कम्युनिज्म की विचारधारा से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। और दोस्तों ऐसा है कि इन्होंने दो ट्रिप करी थी, ठीक है, बाइक उठाई और चले गए पूरा साउथ अमेरिकन कंट्रीज घूमे, लैटिन अमेरिका घूमे, ये वहां पे इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी कि जो असली जड़ है वो है कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेशन करता है। उन्होंने देखा कि कुछ कंट्रीज में कुछ जगह तो लोगों के पास ओढ़ने के लिए कपड़ा तक नहीं है, चद्दर तक नहीं है, तो ऐसी जिंदगी से फायदा क्या, कैपिटलिज्म ने ये किया बर्बाद कर दिया है। तो उनको पता था कि इसको हटाने का एक ही तरीका है, रेवोल्यूशनरी। वो तो हमेशा यही मानते थे, चे गुवारा तो हमेशा यही मानते थे कि रेवोल्यूशन में इतनी ताकत है, रिबेलियन में इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी सभ्यता को ध्वस्त कर दे। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि जब क्यूबन रेवोल्यूशन आया तो सेकेंड इन गवर्नमेंट थे चे गुवारा, लेकिन जिस तरह से फिडेल कास्ट्रो 2008 तक सरकार में रहे, वन पार्टी सिस्टम हुआ, चे गुवारा को कोई ऐसा मोटिव नहीं था। चे गुवारा का एक ही मोटिव था कि इस पूरी दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन को हटा दो, बहुत अच्छा मोटिव था, लेकिन हिंसा का रास्ता जहां पे कोई अख्तियार कर लेता है तो उसका अंत बहुत बुरा होता है, ठीक है। लेकिन रेवोल्यूशन जो दो तरह के रेवोल्यूशन होता है, एक तो पीसफुल और एक वॉयलेंट रेवोल्यूशन, तो चे गुवारा एक वॉयलेंट रेवोल्यूशन लेके आए थे, ठीक है, कि जितना भी एक्सप्लॉयटेशन, और कोई उनके पास चारा भी नहीं था क्योंकि जो इनके प्रतिद्वंदी थे उनके पास तो बड़े बड़े हथियार थे, तो ये सारी चीजें थी। अब दोस्तों ऐसा क्या है कि क्या हुआ उसके बाद की इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मेडिकल पढ़ाई पूरी की, उसके बाद फिर 1953 से लेकर 1959 तक ये क्यूबा में रेवोल्यूशन आया। क्यूबा में क्या था दोस्तों, आपको पता ही है, क्यूबा पहले स्पेनिश कॉलोनी थी, उसके बाद 1902 में पार्शियल इंडिपेंडेंस मिल गई। अब यहां पे अमेरिका का पूरा वर्चस्व हो गया, अमेरिका का पूरा राज चलता था। फुलजेंसियो बटिस्टा आते हैं, 1940 से 1945 तक क्यूबा के प्रेसिडेंट होते हैं और 1952 से लेकर 1952 से लेकर 1959 तक पूरी उनकी डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो जाती है। अमेरिका पीछे से पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे उनकी डिक्टेटरशिप फुल ऑन चालू है। लेकिन बाद में बटिस्टा की डिक्टेटरशिप इतनी खतरनाक हो गई थी कि अमेरिका ने भी उनको सप्लाई देना बंद कर दिया था। इसी के ही चक्कर में क्यूबन रेवोल्यूशन आता है, 26 जुलाई मूवमेंट ये पूरा चालू होता है,
पूरा मूवमेंट होता है, लीडर फिडेल कास्ट्रो होते हैं, चे गुआरा पूरी तरीके से फिडेल कास्ट्रो को सपोर्ट करते हैं और न्यू ईयर 1959 को क्यूबा को पूरी तरीके से आजादी मिल जाती है। लेकिन फिडेल कास्ट्रो अभी तक नहीं बताते, उनका स्टैंड क्लियर नहीं था कि वो या वो कम्युनिस्ट हैं या डेमोक्रेटिक हैं। अब जैसे ही उनकी सरकार आती है, फिडेल कास्ट्रो एक के बाद एक के बाद एक रिफॉर्म्स लाना शुरू कर देते हैं। वैसे तो जब जनवरी में 1959 में उनको पूरा मतलब पावर मिली थी फिडेल कास्ट्रो को, तो ये था कि फिडेल कास्ट्रो ने बोला था कि अगले 6 महीने में हम इलेक्शन जो है वो करा देंगे, लेकिन कभी इलेक्शन आए ही नहीं। उनको पता था कि अगर मैं अभी बता दूं कि मैं कम्युनिस्ट हूं तो हो सकता है लोग मेरा साथ छोड़ दें, तो बेटर है अभी अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो। 1959 से लेकर 1976 तक प्राइम मिनिस्टर थे फिडेल कास्ट्रो, और 1976 से लेकर 2008 तक प्रेसिडेंट थे। वन पार्टी सिस्टम है यहाँ पे। चे गुआरा सेकेंड इन कमांड थे, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी चे गुआरा को मिली थी। तो दोस्तों यहां पे क्या था कि जो लोग लड़ रहे थे क्यूबन गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ, इस मूवमेंट के खिलाफ, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। अब ला कबाना फोर्ट्रेस प्रिजन का चे गुआरा को सबसे पहले कमांडर बना दिया, उन लोगों को खत्म कर दो, जान से मार दो। यहां पे चे गुआरा ने काफी लोगों को मारा, ऐसा आरोप लगता है, ठीक है, कि बहुत लोगों को मारा और मारा भी है। जितने भी कैदी हैं स्पेशली जो सरकार के खिलाफ थे, एक एक करके उनको एलिमिनेट करना शुरू करो, चाहे वो जासूस हो, इन्फॉर्मेंट्स हो, कोई भी हो। इसको बोला गया रेवोल्यूशनरी जस्टिस, और पब्लिक भी इनके साथ थी, तो ये बड़ी खतरनाक चीज थी। दूसरी चीज एग्रेरियन रिफॉर्म्स। देखिए दोस्तों, फ्यूडलिज्म ऐसा है ना कि वो हमेशा बहुत जो रिजल्ट देता है वो बहुत अच्छे नहीं देता है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाने बहुत ज्यादा जरूरी थे। क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अमेरिकन इंडस्ट्री जो है वो बहुत काम करती थी, अमेरिकन कंपनीज बहुत ज्यादा क्यूबा में थी, क्योंकि भाई अमेरिका की अथॉरिटी थी। लेकिन क्या हुआ कि जब क्यूबन रेवोल्यूशन आया और अमेरिका एक के बाद एक करके फेल होने लगा, इन्वेजन करता था, बार बार फेल हो जाता था, ठीक है, तो अमेरिका ने पूरी तरीके से क्यूबा से रिश्ते तोड़ लिए। उन्होंने यहाँ पे एम्बार्गो लगा दिया कि हम कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अमेरिकन फैक्ट्रीज थी या जो इंडस्ट्रीज थी वो क्यूबन गवर्नमेंट के पास आ गई। पहले फिडेल कास्ट्रो ने ये ऐसा नहीं बोला था कि हम सब कुछ नेशनलाइज कर देंगे, सब कुछ अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन धीमे 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 उन्होंने यही किया, उन्होंने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया, सरकार के पास आ गया और नए एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी आ गए। इसमें जो लैंड होल्डिंग्स के लॉज हैं उसको बहुत ज्यादा इन्होंने रिलैक्स किया। तो ये चीज थी। चे गुआरा ने दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त रिफॉर्म चलाया था। देखिए चे गुआरा की बात करें अगर, तो वो बड़े सिंपल इंसान थे। जब तक वो मिनिस्टर की पोस्ट पे थे तो तब तक उन्होंने कभी भी अपनी बीवी, चे गुआरा के वैसे दो बीवियां थी, अपनी बीवी को कभी भी जो उनके पास प्रिविलेजेस थी उसका फायदा उठाने नहीं दिया। चे गुआरा ने साफ बोल दिया था अपने परिवार वालों को कि मेरे पास जो कार है वो मेरी कार नहीं है, सरकार की कार है, तुम लोग कभी भी उस कार से नहीं घूमोगी। तो चे गुआरा की बीवी को बस से जाना पड़ता था। जाहिर सी बात है झगड़े भी होते थे, ठीक है कि यार तुम इतने बड़े इंसान हो और मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन चे गुआरा का सीधा मानना था कि अगर मैं कोई रिफॉर्म लेके आ रहा हूं तो लोगों को ये लगना चाहिए कि मैं भी वो कर रहा हूं। भैया गांधी जी ने बोला था ना, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन अदर्स, पहले खुद में चेंज लेके आओ, दूसरों को बाद में उपदेश दो। तो ये चीज थी। चे गुआरा जो थे वो यही करते थे। अब दोस्तों क्या है, 1961 को ईयर ऑफ एजुकेशन बोला गया। दोस्तों इसमें क्या था कि मतलब 1959 तक जो लिटरेसी रेट था क्यूबा का वो 60-76% तक था, 62-76%। अब दोस्तों इसमें भी दिक्कतें हैं क्योंकि जो क्यूबा के ओरिजिनल लोग थे उनको तो कोई एजुकेशन मिली नहीं थी, पेजेंट्स तो मोस्टली अनएजुकेटेड थे ही। हमने देखा था कि जब गोरिल्ला वॉर में इन्वॉल्व थे चे गुआरा, माउंटेन्स में मतलब अपना जो मूवमेंट है वो चला रहे थे और जंगलों में थे, तो उन्होंने छोटे छोटे स्कूल खोल लिए थे, ठीक है, टीचर्स को उन्होंने तैनात किया था, मतलब टीचर्स को हायर किया था कि जाके पढ़ाओ, ठीक है, तो वहां पे लोगों को वो एजुकेट करते थे। और चे गुआरा का हमेशा से यही मानना था कि एजुकेशन सबसे बड़ी पावर है। तो ईयर ऑफ एजुकेशन बोला गया और यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स को रखा गया, आप जाइए और एजुकेट करिए इसको, इन सबको लिटरेसी ब्रिगेड्स बोला गया। और दोस्तों कमाल कर दिया, क्योंकि ईयर एंड होते होते क्यूबा का लिटरेसी रेट 96% तक चला गया। पॉपुलेशन क्यूबा की बहुत ज्यादा कम है, देखा ही आपने कितना छोटा सा देश है, भारत में तो एक शहर के बराबर भी नहीं होगा शायद, तो बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन 96% तक
चला गया, ये कमाल की बात है। और छे गुवारा का इसमें काफी मेहनत थी, ठीक है। अब दोस्तों छे गुवारा का एक और चीज थी, जैसा कि मैंने बताया कि बड़े सिंपल इंसान थे, छुट्टियों में खेतों में चले जाते थे, गन्ने काटते थे, जमीन पे सोते थे। यहां पे छे गुवारा का मानना था कि वॉलेंटियर करो और वर्क करो, पैसे की मत डिमांड करो। इससे पहले क्या होता था कि अगर आप फैक्ट्रीज में काम करते थे आपको पैसे मिलते थे, आपके साल में इंक्रीमेंट लगते थे, लेकिन छे गुवारा इंक्रीमेंट कुछ नहीं लगाते थे। वो बोलते थे ये सब देश के लिए, सोसाइटी बिल्डिंग पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते थे। देखिए दोस्तों, ये सोशल इक्वालिटी को लाना चाहते थे, ठीक है, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते थे। इगैलिटेरियन मतलब हर कोई इक्वल हो, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। तो इसको इन्होंने न्यू मैन बोला कि ये जो नया आदमी है क्यूबा का, ये इनकरप्टेबल होगा, नॉन मटेरियलिस्टिक होगा और एंटी इंपीरियलिस्ट होगा। मतलब क्या है कि हम कोई भी मटेरियल वेल्थ को पोजेस नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं से ही कैपिटलिज्म की बेस यहीं से ही बनती है। करप्शन नहीं होगा, सोशल इक्वालिटी आएगी और हर किसी को हम क्या करेंगे, जितने भी ये जो इनइक्वालिटीज है उनको हटा देंगे, हर कोई इक्वल रहेगा। इसके लिए आप आइए, वॉलेंटियर करिए, वर्क करिए, अपने या सोसाइटी के लिए सोचिए, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को जगाइए, सबसे इंपॉर्टेंट खुद की चेतना को जगाइए, तो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। इसी के कारण ये जो न्यू मैन, उन्होंने बोला कि हमारे ओल्ड ट्रेडिशन ने क्यूबा में जो इतने सालों से ट्रेडिशन चले आ रहा उसने बर्बाद कर दिया है, अब बदलाव का वक्त है, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की तरफ हमको जाना है। तो इसलिए इन्होंने सब कुछ नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, इन्होंने इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री भी दी गई थी दोस्तों, और ये नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट भी बने, तो ये करेंसी को भी साइन करने लगे थे, तो उसमें चे लिखते थे, जब ये साइन करते थे तो चे लिखते थे। ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन पसंद आए चाहे ना आए, चे गुवारा बहुत ही ऊपर पोस्ट पे चले गए थे, अर्श से फर्श तक ये बहुत लोगों को खटका। अब ये चीज मैं दोस्तों बता ही चुका हूं, ठीक है, ये चाहते थे कि इसमें जो हमारा नया आदमी हो उसमें कोई भी ईगो ना हो, सेल्फिशनेस ना हो, बेसिकली इक्वालिटी हो, सोशल इक्वालिटी जैसे ही आ जाएगी सब कुछ सही हो जाएगा। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका को बहुत ज्यादा टेंशन है। देखिए दोस्तों, कम्युनिज्म, यूएसएसआर क्यूबा को सपोर्ट करेगा, अमेरिका को टेंशन। अमेरिका ने बार बार कोशिश की कि हम इन्वेड करें क्यूबा में, सफल नहीं हो पाए। एक बहुत ही फेमस इन्वेजन है दोस्तों, पिग्स इन्वेजन, बे ऑफ पिग्स में इन्वेड किया था अमेरिका की CIA। देखिए अमेरिका की CIA क्या कर रही थी कि क्यूबा में जो लोग पहले क्यूबन रेवोल्यूशन को अपोज कर रहे थे, जो लोग बच गए थे उनको क्यूबन एग्जाइल बोला गया था, ठीक है, उनको CIA ने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ग्वाटेमाला में ट्रेनिंग देते थे और एक पूरी उनकी फोर्स बना ली। तो बे ऑफ पिग्स में उन्होंने इन्वेड कर दिया, US की मदद से इन्वेड कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यूबन गवर्नमेंट ने उनको खदेड़ दिया पूरी तरीके से और अमेरिका की बहुत बड़ी हार हुई। ये अमेरिका की हार थी, क्यूबन गवर्नमेंट बल्ले बल्ले। अब दोस्तों ऐसा है कि चे गुवारा ने डायरेक्टली तो इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन क्रेडिट तब भी काफी हद तक इनको जाता है, इनको आर्किटेक्ट बोला गया था। दूसरी चीज, मिसाइल क्राइसिस पे दोस्तों मेरा पार्ट वन पार्ट टू पे पूरा एक लंबा चौड़ा सेशन है, तो इस पे फिलहाल मैं इतना नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी एक मैं आपको जिस्ट देता हूं। अब दोस्तों क्या था ना कि अमेरिका, जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका बार बार इन्वेड कर रहा था, यूएसएसआर के पास अच्छा मौका था कि क्यूबा को सपोर्ट करे, तो यूएसएसआर ने क्या किया था कि क्यूबा में मिसाइल्स तैनात कर दी थी, मीडियम रेंजेस मिसाइल थी, क्योंकि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल थी वो तो जा नहीं सकती थी वहां तक, इतनी एफिशिएंट नहीं थी, तो इन्होंने मीडियम रेंज मिसाइल जो है वो क्यूबा में तैनात कर दी थी। दोस्तों अक्टूबर क्राइसिस को बोला गया, 16 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक 1962 ये मिसाइल क्राइसिस चलती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और सोवियत के जो प्रीमियर, ठीक है, निकिता ख्रुश्चेव, इन दोनों के बीच में तनातनी, लेकिन ये 13 दिन का जो स्टैंड ऑफ था ये फाइनली शांत होता है। फिडेल कास्ट्रो का मूड खराब हो गया था, चे गुवारा का भी मूड खराब हो गया था। फिडेल कास्ट्रो बोल रहे थे कि आप मिसाइल क्राइसिस खाली बोल रहे हैं, मिसाइल तैनात कर दी है, तो क्या देखने के लिए खाली तैनात किया, इसको छोड़ो। पहले तो फिडेल कास्ट्रो मान नहीं रहे थे, और जब वो मान गए और कुछ भी नहीं हुआ, 13 दिन तक खाली बातें होती रही, धमकियां होती रही, तब फिडेल कास्ट्रो ने बोला कि आप मिसाइल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही हम पहले होंगे अटैक करने पे, लेकिन कम से कम पूरी दुनिया में तो रेवोल्यूशन आ जाएगा। चे गुवारा भी यही बोल रहे थे कि कुछ तो करो, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन ये स्टैंड ऑफ जो था ये पूरा शांत हुआ। दोनों जो लीडर थे, जॉन एफ कैनेडी और निकिता ख्रुश्चेव, बहुत ही समझदार थे और उनको भी पता था कि लाशों पे हमको नहीं जीतना है, तो इसको शांत किया गया। यहां से चे गुवारा जो है
यूएसएसआर जो है चे गुआरा की नजर में चढ़ गया। चे गुआरा को पता था कि ये जो इंसान मतलब जो यूएसएसआर है ये जो रिश्ते हैं बहुत सही नहीं चलने वाले उनकी नजर में, चे गुआरा की नजर में। दूसरी चीज क्या हुई कि जब दोस्तों क्यूबन रेवोल्यूशन आया था तो चे गुआरा ने बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल की थी, ढेर सारी कंट्रीज ट्रैवल की थी जिसमें इंडिया भी शामिल था। ये इंडोनेशिया गए थे, वहां पे दोस्तों इन्होंने ट्रेड रिलेशन अच्छे एस्टैब्लिश किए। उसके बाद ये जापान गए थे, जापान में उस साइट को विजिट किया था जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, तो काफी लोग गुस्सा भी हुए थे। अब दोस्तों क्या है कि वो अमेरिका को हमेशा से नीचा दिखाना चाहते थे। इंडिया भी गए थे, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये बहुत सारी कंट्रीज गए थे दोस्तों। वैसे पूरी दुनिया घूमे थे चे गुआरा। आप देख सकते हैं कहां कहां उन्होंने विजिट किया, कुछ छूटा है नहीं छूटा है। और ये जो ग्रीन में है ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने कहां का रेवोल्यूशन की कोशिश की। क्यूबा में तो रेवोल्यूशन आ ही गया था, उसके बाद बोलीविया, कांगो, वहां पे भी बोलीविया कांगो तो ये है, वहां पे भी उन्होंने कोशिश की लेकिन रेवोल्यूशन आ नहीं पाया था। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। लेकिन चे गुआरा धीमे धीमे अपने मोटिव से ड्रिफ्ट होने लगे। मोटिव से ड्रिफ्ट होने का क्या मतलब है? क्यूबन गवर्नमेंट में वो थोड़ा कम ध्यान देने लगे, बाकायदा वो ये देखने लगे कि और ज्यादा प्रोस्पेक्ट हमको कहां मिलेगा जहां से रेवोल्यूशन आ जाए। देखिए दोस्तों, उनकी जो जिंदगी थी उनका तो एक ही एम था, वो चाहते तो क्यूबन गवर्नमेंट में सालों साल रह सकते थे, लेकिन चे गुआरा ने ऐसा नहीं किया। दिसंबर 1964 में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस किया, भर भर के अमेरिका को गालियां दी, क्रिटिसाइज किया। ठीक है, इनडायरेक्टली करते हैं वहां पे यूनाइटेड नेशंस में, ऐसे सामने तो देंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद फरवरी 1965 की स्पीच, अल्जीरिया में जो उन्होंने स्पीच दी थी, यूएसएसआर को उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, सोवियत यूनियन कुछ कर नहीं रहा है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो रहा है, ये तो कैपिटलिज्म की तरफ चले गए हैं, ये मार्क्सिस्ट मार्क्सिज्म को भूल गए हैं, लेनिनिज्म को भूल गए हैं, और ये जो क्या कहता है कि जो कम्युनिज्म है ये अब यूएसएसआर में रह ही नहीं गया है। तो यहां पे चे गुआरा, क्योंकि यूएसएसआर कहीं ना कहीं पीसफुल कोएग्जिस्ट करने लगा था अमेरिका के साथ, तो ये चे गुआरा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेरिका को तो वो दुश्मन मानते थे। दोस्तों ये एंड होगा, आई एम रियली सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ए एन एफ लिख दिया है, आई एम सॉरी, वो लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, माफ कर दीजिएगा। तो दोस्तों उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि ऐसा नहीं चलेगा। तो अक्टूबर 1965 ये फिडेल कास्ट्रो को भी समझ में आ गया था कि अब शायद जो चे हैं वो बहुत ज्यादा दिन क्यूबा में नहीं रहेंगे, तो उन्होंने एक लेटर पढ़ के सुनाया पूरी जनता को कि अब चे गुआरा जो है ये सही वक्त है कि अब उनको अलविदा हम कह दें। तो फिर फिडेल कास्ट्रो, वैसे तो चे गुआरा के बहुत ज्यादा करीबी थे और बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, चे गुआरा के इंटेलेक्चुअलिज्म से फिडेल कास्ट्रो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि अब फेयरवेल गुआरा। और अक्टूबर 1965 उसके बाद चे गुआरा ने क्यूबा को छोड़ दिया। वो एक ऐसे देश की तलाश करने लगे कि जहां पे रेवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, तो उनको कांगो, अफ्रीका का, अफ्रीका की जो कंट्री है कांगो और बोलीविया, ये दो ऐसी कंट्री थी जहां पे रिबेल ग्रुप और सरकार आपस में भिड़ी हुई थी। अब दोस्तों यहां पे दिक्कत क्या है कि जब ये कांगो जाते हैं, वैसे 1965 से लेकर 1967 तक ये दो साल चे गुआरा के ऐसे थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, सबको लग रहा था कि शायद चे गुआरा मर गए हैं, किसी को पता ही नहीं था गए कहां दो साल, वो तो ऐसे ही काम करते थे ना। तो दोस्तों ऐसा है कि जब ये कांगो जाते हैं 1965 एंड में कांगो पहुंचते हैं, तो वहां के रिबेल ग्रुप का लीडर जो होता है कबीला, जब वो आता है बोट से तो बड़े आराम से आता है, लड़कियों को लेके आता है और एकदम शराब पीते हुए आता है। चे गुआरा का मूड खराब हो जाता है क्योंकि चे गुआरा सोचते हैं ये मजाक चल रहा है क्या, और जब चे गुआरा उन सबको ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं तो उनको ये पता लगता है कि मूर्खों को कुछ नहीं आता है, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं आता है, मुझे तो शुरू से शुरू करना होगा। तो चे गुआरा फिर उनको ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन 6-7 महीने तक ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट रहती है कांगो रेबल ग्रुप्स और सरकार के बीच में, उनको कुछ हासिल नहीं होता है, चे गुआरा को यहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो चे गुआरा को फिर भागना पड़ता है। चे गुआरा एक मुठभेड़ में तो चे गुआरा का पूरा ही ग्रुप जो है वो साफ हो जाता है, तो चे गुआरा फिर भाग के बोलीविया जाते हैं। बोलीविया में दोस्तों बोलीवियन आर्मी को सीधा सीधा सपोर्ट कर रहे होते हैं अमेरिका की CIA, तो बोलीवियन आर्मी प्लस CIA बहुत ही खतरनाक ये कंडीशन है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये ग्रुप है। तो यहां पे बोलीवियन आर्मी प्लस CIA चे गुआरा को पूरी तरीके से पता तो है ही कि रीबेल ग्रुप है और शायद चे गुआरा भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे दोनों में मुठभेड़ एक के बाद एक होना शुरू होती है।
चे गुआरा वैसे काफी कुछ कुछ एक्सपेडिशन पे वो सफल होते हैं, ठीक है, अटैक करने में कामयाब होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलीवियर आर्मी जो है वो प्रॉपरली ट्रेंड होती है। तो एक दिन क्या होता है, 7 अक्टूबर को एक इन्फॉर्मर चे गुआरा की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है, तो बोलीवियन आर्मी प्लस CIA 1800 लोगों के साथ चे गुआरा को पकड़ने जाते हैं, और 8 अक्टूबर को चे गुआरा को पकड़ लिया जाता है। मुठभेड़ होती है, चे गुआरा अपना हाथ ऊपर करते हैं और चे गुआरा से बोलते हैं, चे गुआरा बोलते हैं कि ये मैं हूं चे गुआरा, मुझे मत मारो, मैं जिंदा ज्यादा काम का हूं, मरे हुए किसी काम का नहीं हूं। तो उसके बाद चे गुआरा को लाया जाता है, पास में एक विलेज में रखा जाता है, विलेज में छोटा सा स्कूल होता है वहां पे इनको रखा जाता है। दोस्तों ये भी एक अलग कहानी है, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, जो इसमें जो वहां पे गैस प्राडो जो कैप्टन होते हैं वो चे गुआरा से बात करते हैं, और जब चे गुआरा को वो देखते हैं, देखिए चे गुआरा वैसे बड़े सुंदर थे, आपको बता दूं, लंबे चौड़े एकदम, बड़ी बड़ी दाढ़ी, घोड़े चिट्टे, ठीक है, और फिर उनसे भी बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये ऑर्डर आ जाता है कि चे गुआरा को मार दो, ठीक है। अब चे गुआरा को मारने के लिए वॉलेंटियर की जरूरत होती है, तो एक इंसान आगे आता है, मारियो टेरेन जिसका नाम होता है, और वो बोलता है कि सर मैं मारूंगा, और तो उसको ऑर्डर दिया जाता है कि सर के ऊपर मत मारना, सर के नीचे मारना। तो जब वो अंदर जाते हैं, मारियो टेरेन अंदर जाता है चे गुआरा को मारने, चे गुआरा खड़े होते हैं सामने, तो चे गुआरा चिल्लाते हैं कि तुम मुझे तो मार दोगे लेकिन मेरे आइडियाज को कभी नहीं मार पाओगे, वो हमेशा जीवित रहेंगे। 9 गोली दागता है वो, और चे गुआरा की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद फिर एक पब्लिक मॉर्निंग होती है, फिडेल कास्ट्रो बताते हैं क्यूबा को कि चे गुआरा शहीद हो गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत लोग तो बिलीव ही नहीं करते हैं कि चे गुआरा सच में मर गए। एक टाइम पे, भी ज्यादा टाइम कहां हुआ था, क्यूबन रेवोल्यूशन आए, एक टाइम पे इतना ज्यादा जबरदस्त इंसान, 1967 की बात है दोस्तों, अक्टूबर 1967 की बात, ठीक है, एक टाइम पे इतना ज्यादा जबरदस्त इंसान, और अब वो मर गया, ये किसी को भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन जो है वो है। और दोस्तों इनकी लेगेसी, इन्होंने जो बोला था कि आप मेरे आइडियाज को नहीं मार पाएंगे, ये तो सच भी है, क्योंकि आज भी फैशन आइकॉन तो चे गुआरा बन गए हैं, ठीक है। और एक ऐसा जीवन था दोस्तों, इनकी कहानी एक ऐसी है कि ये अपने पथ से कभी भी हटे नहीं, ठीक है, चाहे ये जैसे भी हो, चाहे इन्होंने जितना भी किया हो, लेकिन एक चीज तो है, इनका जो काम था, जैसा कि मैंने बताया कि चाहते तो क्यूबन गवर्नमेंट में रहते, जिंदगी भर मजे काटते, लेकिन उन्होंने वो चीज नहीं की। इनका मेन मकसद क्या था कि रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन लाना है, उसी के चक्कर में इन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।